जिला के सुंदरनगर में बाबाओं के दो गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर तनातनी का एक मामला सामने आया है। सुखदेव ऋषि की तपोस्थली सुंदरनगर में बाहरी राज्यों के कुछ बाबाओं ने दबंगई कर देर रात्रि वहां पर मौजूद बाबा सुखदेव गिरी को धक्के मार कर निकाल दिया। जब कुछ स्थानीय लोगों को घटनाक्रम के बारे में पता चला तो उन्होंने बाबा सुखदेव गिरी के साथ स्थानीय प्रशासन व BSL पुलिस थाना में मामले की शिकायत दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाहरी राज्यों के बाबाओं के बयान दर्ज किए हैं। इसके उपरांत बाहरी राज्यों के बाबा मौके से चले गए। सुखदेव गिरी बाबा ने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि इस सुखदेव ऋषि की तपोस्थली में कमेटी का निर्माण किया जाए ताकि इस तरह की घटना फिर से सामने ना आ सके। मैं बाबा सुखदेव गिरी सुंदर नगर वाटिका और मैं यहाँ पे 7-8 सालों से रह रहा हूँ। तो परसों मेरे साथ ऐसा हुआ भाई, यहाँ पे साधु कोई 8-10 साधु आ गए और उन्होंने मेरे को यहाँ से निकाल दिया। फिर मैंने दूसरे दिन जाके पुलिस में कंप्लेंट की तो पुलिस यहाँ पहुँची, फिर उन्होंने पूछताछ की उनसे, फिर वो साधु चले गए। यहाँ से सुखदेव ऋषि जी हरिद्वार के लिए स्नान करने के लिए जाते थे और ये यहाँ फिर ये गंगा मैया यहाँ पे प्रकट हुई है, सरस्वती यहीं पे प्रकट हुई है, गंगा जमुना सरस्वती यहीं पे प्रकट हुई है। तो यहाँ सुखदेव मुनि जी ने तप किया हुआ है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ भाई, इसकी कमेटी बने और आगे के लिए ऐसी कोई ऐसी घटना ना हो मेरे साथ।